सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीएड करने वाले उम्मीदवारों के प्राइमरी टीचर बनने से रोक लगा दी गई है। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE की ओर से नया प्रोग्राम इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अगले सेशन से लागू होने का अनुमान है। ये पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होगा जिसे स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद से ही कर सकेंगे। अभी तक अभ्यर्थी पहले ग्रेजुएशन कोर्स करते थे और इसके बाद 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला लेते थे। अब ITEP पाठ्यक्रम के आने से अभ्यर्थी 4 साल में ही प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता हासिल कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए प्रतिवर्ष एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किए जाएंगे और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर स्टूडेंट्स BSc, BEd, BA, BEd, BCom, BEd पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2023 तक ITEP कोर्स को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके बाद प्राइमरी टीचर भर्तियों में ITEP कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को जानकारी दे दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई DU के कुछ कॉलेज समेत अन्य विश्वविद्यालय में इस प्रोग्राम के तहत एडमिशन दिए जाने लगे हैं। ITEP कोर्स के शुरू होने के बाद भी बीएड प्रोग्राम एकेडमिक तौर पर लगातार जारी रहेगा। अभ्यर्थी इस प्रोग्राम में प्रवेश ले सकेंगे और आगे चलकर इस क्षेत्र में PhD कर सकेंगे।